गणेशपीठ थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक से दो युवकों ने अनैसर्गिक कृत्य करके पहले तो उसका वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया। जब वीडियो पीड़ित के पिता तक पहुंचा तब ये घटना उजागर हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीती रात गणेशपीठ थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक से दो लड़कों ने जबरदस्ती से अनैसर्गिक कृत्य करके पहले तो उसका वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। आरोपियों के नाम मुकेश उर्फ मुक्कू, संतोष कौर, कुम्भारपुरा बजरिया निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि पीड़ित एक किराना दुकान में काम करता है। रात करीब 11:15 बजे वह अपने घर की ओर जा रहा था, तभी मुक्कू और संतोष ने उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गए और पीड़ित के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं तो आरोपियों ने उसकी नाबालिग बहन का गैंग रेप कर देने की भी बात कही और इसी डर के मारे संतोष ने पीड़ित का अश्लील वीडियो बना दिया और उसे वायरल कर दिया। वायरल होते ही यह वीडियो पीड़ित के पिता के पास जा पहुंचा और इस घटना के बारे में पता चला। बेटे के साथ हुई इस घटना से पिता आग बबूला हो गया और उससे पूछताछ करने लगा। तब पीड़ित युवक ने अपनी सारी आपबीती अपने पिता को बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित हा किराणा दुकानात काम करून येताना त्याच्या सोडकी जे जुन्या ज्या ठिकाणी मेकॅनिकल दुकानात काम करत होते त्याच्यापैकी दोन मित्र होते, ते लढवले। ते मित्र दारूच्या नशेत होते, त्या पीडितेला लढवून मग त्याला एक धमकी दिली की तू आमच्यासोबत चल, आम्ही जसं म्हणतो तसं करायला पाहिजे। तो तयार झाला, त्याला अनैसर्गिक पद्धतीने कृत्य केले पीडितेला। त्याच्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी पर त्याला सोबत नेले मोकळ्या मैदानात, तिथं पण तसंच ने अनैसर्गिक कृत्य केले आणि त्याच्यानंतर ते दोघं जण निघून गेले। आणि ते कृत्य करत असताना एक आरोपी मुकेश आहे तो अनैसर्गिक कृत्य केला, त्याचा व्हिडिओ करणारा त्याचा मित्र संतोष गौर, हे दोघं जण हे काम झाल्यावर ते निघून गेले आणि पीडित आपल्या घरी निघून आला। दुसऱ्या दिवशी तो लग्नाला एमपीला गेला आणि हे पण बाहेर निघून गेले। त्याच्या दुसऱ्या दिवशी व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि बाप पण एमपीमधून लग्नानंतर वापस आले, त्याच्यात दिसलं की हे असं असं कृत्य घडलेलं आहे, चुकीचं झालेलं आहे। त्याच्यानंतर ते बाप आणि पीडित हे दोघं जण येऊन पोलीस स्टेशन तक्रार दिली। त्याच्यावर आम्ही तक्रार नोंद करून दोन्ही आरोपी पडून गेले। ते एक आरोपी परतवाड्याला होता, तिथून आमचं टीम जाऊन त्याला ताब्यात घेतलं, दुसरा आरोपी पण ताब्यात घेतलं। दोन्ही आरोपींना आम्ही सखोल विचारपूस केली, काल रात्रीला त्याला अटक केलं। बहरहाल शहर में धड़ल्ले से हो रहे इस तरह के कृत्य पर अंकुश लगाना अब जरूरी हो गया है। इस तरह की वारदातों से कहीं न कहीं हमारे समाज में गलत संदेश आज की युवा पीढ़ी तक पहुंच रहा है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।